हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो कक्षा 9वीं हिंदी मीडियम के लिए है। चैप्टर 6 की प्रश्नावली 6.1 को करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण ए ओ सी जमा कोण बी ओ ई बराबर है 70 डिग्री और कोण बी ओ डी बराबर है 40 डिग्री तो कोण बी ओ ई और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई ज्ञात कीजिए। ये हमें यहाँ पर आकृति दी हुई है। इस आकृति के अंदर कोण ए ओ सी, ये जो कोण हमारे पास है ए ओ सी, ये कोण और बी ओ ई, बी ओ ई, इन दोनों कोणों का जोड़ है वो 70 डिग्री के बराबर है और कोण बी ओ डी, ये जो कोण है ये हमें दे रखा है 40 डिग्री। हमें कोण बी ओ ई, बी ओ ई, ये कोण, इस कोण का माप बताना है और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, हमारा कोण सी ओ ई है ये, लेकिन हमसे पूछा गया प्रतिवर्ती कोण तो सी ओ ई का प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा ये कोण, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, तो ये हम निकालेंगे। हमें जो दिया था उसको लिख लिया हमने पहले और जो ज्ञात करना उसको लिख लिया है। आकृति के अंदर देखिए ए ओ सी, ए ओ सी, ये जो कोण है ये और कोण बी ओ ई, इस कोण का जोड़ हमें 70 दे रखा है। कोण बी ओ डी, ये जो कोण है नीचे का बी ओ डी, ये दे रखा है हमें 40 डिग्री का। हमें जो ज्ञात करना है वो एंगल है बी ओ ई, बी ओ ई, ये जो कोण हमें इसको मालूम करना कितने का होगा। हमें ये दे रखा है कि ये कोण और ये कोण, इन दोनों का जोड़ है 70 डिग्री है। अगर हमारे पास ये कोण आ जाए तो फिर हम आराम से कोण बी ओ ई को निकाल सकते हैं। दूसरा हमें बताना है प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, कोण सी ओ ई है ये कोण, ये वाला कोण, ये है सी ओ ई, लेकिन हमें बताना है कोण प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, तो सी ओ ई का प्रतिवर्ती हो जाएगा ये नीचे का कोण, यहां से लेकर के और यहां तक, यानी इस कोण को छोड़ करके बाकी जो कोण बच जाएगा 360 घटा ये कोण सी ओ ई, वो होगा हमारा प्रतिवर्ती कोण, क्योंकि प्रतिवर्ती कोण 180 से बड़ा और 360 से छोटा होता है। तो सबसे पहले हम कोण ए ओ सी निकालेंगे ताकि फिर हमारे पास बी ओ ई आ जाए। हमें दे रखा है दोनों का जोड़ 70 डिग्री। अब यहाँ पर ये जो सी डी और ए बी है वो प्रतिच्छेद रेखाएं हैं, इसलिए कोण ए ओ सी बराबर होगा कोण बी ओ डी। क्यों? क्योंकि ये दोनों कोण से कोण है सिरसाभूमि कोण, सिरसाभूमि कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये कोण हो जाएंगे सिरसाभूमि कोण। बी ओ डी हमें दे रखा है 40 डिग्री, तो यहां से हमारे पास कोण ए ओ सी बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। क्यों? क्योंकि बी ओ डी है 40 डिग्री हमें दिया हुआ है, ए ओ सी हमारे पास आ गया 40 डिग्री। अब यहाँ से देखिए जो हमें दिया हुआ है, ए ओ सी और बी ओ ई का जोड़ 70 डिग्री है, क्योंकि कोण ए ओ सी जमा कोण बी ओ ई बराबर दिया हुआ है 70 डिग्री। ए ओ सी का मान 40 डिग्री यहाँ पर रख देंगे, जमा कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री, यहाँ से हमारे पास कोण बी ओ ई बराबर आ जाएगा 70 डिग्री घटा 40 डिग्री 30 डिग्री, तो एक कोण हमारे पास आ गया बी ओ ई 30 डिग्री। ये पार्ट हमारा हो चुका है, इस पार्ट को करेंगे अब। प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, सी ओ ई का प्रतिवर्ती निकालने के लिए पहले हम कोण सी ओ ई निकालेंगे। ए बी एक सरल रेखा है, ये भी हमारे पास एक सरल रेखा है, तो ये जो कोण होगा यहां से लेकर के और ये पूरा कोण, ये हो जाएगा 180 डिग्री। ये जो पूरा कोण बनेगा, ये कोण, ये कोण, ये तीनों कोणों का जोड़ 180 होगा रैखिक युग्म से, तो इन तीनों कोणों का जोड़ हो जाएगा 180 डिग्री। अब हमें ए ओ सी और बी ओ ई का मान दे रखा है ऊपर 70 डिग्री, इन दोनों का मान रख देंगे हम 70 डिग्री, जमा
कोण सी ओ ई बराबर 180 डिग्री, यहाँ से कोण सी ओ ई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री घटा 70 डिग्री 110 डिग्री। हमने कोण सी ओ ई को मालूम कर लिया 110 डिग्री, तो सी ओ ई का प्रतिवर्ती क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई बराबर होगा 360 घटा 110, यह आ जाएगा 250 डिग्री, क्योंकि हमें कोण सी ओ ई मालूम कर लिया 110 है, तो उसका प्रतिवर्ती क्या हो जाएगा 360 घटा कोण सी ओ ई, 360 में से हम उस कोण का मान घटा देंगे, हमारे पास वो आ जाएगा प्रतिवर्ती कोण 250 डिग्री।